300, 500, 1000, 1500, 2000, 2500, 3000, 3500, 4000। नमस्ते इंडिया। दोस्तों, आज मैं बहुत खुशी के साथ कहता हूँ कि मेरे YouTube की फर्स्ट इनकम आ चुकी है मेरे हाथ में, और ये सब आपको बताऊंगा कि ये इनकम कितनी है और कैसे और कब कब आई। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते। इसमें मैं आपको बताऊंगा कि मैंने कैसे YouTube चैनल को ग्रो किया, कितना टाइम लगा और इतने टाइम में इतने सब्सक्राइबर के साथ जो है कितनी इनकम मेरी आई। तो सारी चीज़ें शेयर करूंगा दोस्तों, बस बने रहो। पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर दो, चैनल को लाइक कर दो, और जो मेरे नए यूट्यूबर दोस्त हैं वो कमेंट करके या इंस्टाग्राम पे फॉलो करके कोई क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हैं। दोस्तों, अपना भाई हमेशा तुम्हारे साथ है और हमेशा तुम्हारा साथ दे करके हमेशा कोशिश ये करेगा कि जैसे हेल्प कर पाए वैसे हेल्प करूँ। तो आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को। कहानी शुरू होती है आज से करीबन 5 साल पहले। पहला जो मैंने वीडियो डाला था वो अपने दोस्तों के लिए एक सॉन्ग डेडिकेट किया था, यारा तेरी दोस्ती को सलाम करता हूँ, क्लास 12th की यारी को याद करता हूँ, ऐसे करके एक सॉन्ग था जो कि हमने बहुत गंदा गाया था और दोस्तों को डेडिकेट किया था, और मज़े की बात दोस्तों ने ही डिसलाइक किया था। ये एक अच्छी चीज़ है कि जिसके लिए डेडिकेट किया वो लाइक किया, क्योंकि वो उसके लगता है, मुझे लगता नहीं कि उतना अच्छा था। खैर, मैंने छोड़ा वो चीज़। फिर करीबन आज से 3 साल पहले मैंने मसल ब्लेस की एक वीडियो डाली जिसमें मुझे अच्छा रिस्पांस मिला। वो उस वीडियो पे आप वीडियो देख सकते हैं, क्लिप मैं स्क्रीन पे चला रहा हूँ अभी प्रेजेंट में। और इस वीडियो में मुझे अच्छा रिस्पांस मिला, करीबन इस समय प्रेजेंट में 5-5.5 लाख से भी ऊपर ज़्यादा व्यूज़ हैं। और एक वीडियो यही थी जिसने मेरा कॉन्फिडेंस, मेरा चैनल सब कुछ ग्रो किया कि मैं यूट्यूबर की तरीके से काम कर सकता हूँ। और ये काम मैंने शुरू कर दिया, मैंने कहा ठीक है चलो यार, फिटनेस इंडस्ट्री में रिस्पांस मिल गया, मसल बेस आ गया, अनबॉक्सिंग करना शुरू करते हैं, बना बन अब फिर यूट्यूबर बन गए हम लोग। अब मैंने एक और वीडियो डाली, उसमें उतना अच्छा रिस्पांस नहीं आया, हालांकि उसमें भी 17K हैं और इसमें 5 लाख से ऊपर, तो आप सोच सकते हैं कितना ज़्यादा डिफरेंस था। तो और एक प्रोटीन जो है वो, कोई भी प्रोटीन जो है वो 5000-6000 से नीचे नहीं आता था। और इस मार्केट में डुप्लीकेसी भी बहुत ज़्यादा है यार, क्योंकि मैंने देखा कि कुछ लोग के कमेंट्स आ रहे थे कि मैंने यार ये लिया, मुझे ये प्रॉब्लम हो गई, वो प्रॉब्लम हो गई, तो मैं डर गया। मैंने कहा ऐसा तो नहीं कि मैं इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से कहीं कुछ गलत रिसोर्स या गलत चीज़ों को शेयर कर रहा हूँ। हालांकि मसल बेस कोई बुरा ब्रांड नहीं, बहुत अच्छा ब्रांड है इंडिया का, ठीक है, मगर मुझे लगा फिटनेस इंडस्ट्री में यार ऐसा ना हो कि मैं बनाते बनाते कुछ गलत कन्वे कर दूँ। तो मैंने कहा कि ठीक है। फिर एक ये भी था कि मैंने देखा यार कि अगर मुझे नेचुरल ग्रो होना है तो 7-8 साल लग जाएगा कैमरा के आगे आते आते, तब तक मैं अगर नॉलेज शेयर करूंगा तो लोग बिलीव नहीं करेंगे, लोग सोचेंगे कि यार ये फेंक रहा है, खुद तो बना नहीं पा रहा है और दूसरों को ज्ञान दे रहा है, तो समथिंग लाइक दैट इस तरीके से होगा। और बहुत से कमेंट ऐसे आए भी, तो मैंने फिर कोशिश किया कि उस चीज़ से हट जाऊं। हालांकि मैंने हिम्मत नहीं छोड़ी, फिटनेस पे ध्यान देता रहा। देखा होगा पतले से दुबले का कंपैरिजन, ये वो सब कुछ बना के डाला, रिस्पॉन्स कम होता रहा, तो मुझे लगा नहीं यार ये मेरे लायक नहीं है। फिर मैंने टेक वीडियो बनाना शुरू कर दी, मोबाइल की अनबॉक्सिंग, ट्रिमर की अनबॉक्सिंग, हर चीज़ की अनबॉक्सिंग जो मिले खोल दो। दोस्तों के पास मोबाइल आ रहा, पहुंच जाते थे कैमरा लेकर के बनाने, क्योंकि हर मोबाइल तो खरीद नहीं सकते थे। धीरे धीरे हमें पता चल गया कि यार टेक के लिए भी पैसे चाहिए और मेरे पास पैसे थे नहीं। फिर मैंने सोचा कि यार थोड़ा मेरे पास जो ज्ञान है वो ज्ञान ही शेयर कर देता हूँ यार, नॉलेज शेयरिंग करते हैं, कुछ पढ़ा वढ़ा देते हैं। और टेक के लिए भी स्टूडियो की ज़रूरत थी, स्टूडियो अपने पास था नहीं, तो मैंने सोचा कि VFX सीख लेते हैं। VFX में एक चैलेंज आ गया, ग्रीन स्क्रीन यार। अब ग्रीन स्क्रीन आ रही थी उस समय करीबन 700-800 रुपये की ग्रीन स्क्रीन आती थी, तो मेरे पास उस टाइम उतने पैसे भी नहीं थे कि मैं 700-800 रुपये की ग्रीन स्क्रीन खरीद सकूँ। कॉलेज टाइम की बात थी, नहीं मैनेज हो रहा था यार उस टाइम। सुनने में ऐसा लग रहा होगा 700-800 रुपये का जिसने यूट्यूब चैनल शुरू किया वो 700-800 रुपये की ग्रीन स्क्रीन नहीं ले पा रहा है, बट रियलिटी है भाई, जो मेरे साथ हुआ मैं वो बता रहा हूँ। उसके बाद यार वो ग्रीन स्क्रीन नहीं जब आई तो मैंने कहा यार कुछ तो जुगाड़ करना पड़ेगा ना, मैंने अपने स्किल्स पे थोड़ा ध्यान दिया। फिर मुझे पता चला कि ग्रीन स्क्रीन ही एक कलर नहीं है ग्रीन कलर का जिससे आप ये काम कर सकते हैं। VFX का काम आप किसी भी कपड़े पर कर सकते हैं, किसी भी सिंगल कलर का कपड़ा होना चाहिए वो, और मैंने ये किया है, मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये वीडियो क्लिप देखिए। पर्पल कलर का ये ब्लैंकेट है, ठंडी में मुझे आइडिया कि मेरे पास एक पर्पल कलर का ब्लैंकेट है, ये एक कलर का है, मैं इस पर काम कर सकता हूँ। मैंने बैकग्राउंड में फट से कील वील ठोक ठाक करके और उस ब्लैंकेट को लटकाया और मैंने टेस्टिंग शुरू करी, मैंने वीडियो बनाई VFX में। हाँ, ग्रीन पे रिजल्ट बहुत अच्छा आता है, ब्लैंकेट पे इस पे थोड़ा रिजल्ट नहीं आया, बट मेरे अकॉर्डिंग काम चलाऊ था, मैं नया था, मैंने कहा कि काम चल जाएगा। मैंने ब्लैंकेट पे शूट करी,
ज्ञान शेयर किया, मोटिवेशन देने लगे, देखा नेटवर्क मार्केटिंग बता दो, ये बता दो, सब देखा मैंने। फिर मुझे समझ में नहीं आया यार कि शायद नहीं है मेरे लिए। फिर थकार करके आज से 10 महीना पहले केदारनाथ चला गया, ट्रेवल वीडियो। मैंने कहा लाओ एक ट्रेवल वीडियो भी डाल के टेस्ट कर लेता हूँ। ये जो मेरे चैनल का नाम है ना, पॉलीमैथ थॉट, एक्चुअली पॉलीमैथ का मतलब ही यही होता है कि एक बंदा जिसको सेवरल फील्ड के बारे में नॉलेज हो। ये इस नाम को ढूंढने में मुझे 7 से 8 घंटे लग गए थे। यूट्यूब का चैनल का नाम थोड़ा सा अलग सा होना चाहिए, तो मैंने इसलिए ये नाम रखा। तो नाम भी क्लियर हो गया क्यों रखा। फिर ट्रेवल वीडियो में मुझे समझ में आया यार कि तब तक मेरी जॉब लग चुकी थी यार, तो मैं जॉब करने लगा, थोड़ा बहुत पैसे कमाने लगा था। तो मैंने कहा कि यार ऐसा करते हैं कि अपना ट्रेवल में अपने शौक भी पूरे हो जाएंगे, दुनिया भी घूम लेंगे और नॉलेज भी शेयरिंग हो जाएगी। इसमें फ्रॉड जैसा कुछ काम भी नहीं, जो देखा वही चीज़ दिखा दिया, जो चीज़ मतलब जहाँ रुके जहाँ खाए जहाँ फैसिलिटी अच्छी मिल सकती है चीज़ें हमने शेयर कर दी। तो हमने ये शेयर करना शुरू किया, कुछ वीडियो में अच्छा रिस्पॉन्स आने लगा, मुझे मज़ा भी आने लगा। अब ये है कि इतने दिनों के बाद सब कुछ ट्राई करने के बाद मैंने इस चैनल को ट्रैवल में कन्वर्ट कर दिया। सारी चीज़ें ट्रैवल की ही वीडियो अब डालना है आगे। इसको ट्रैवल की जो ट्रैवल ब्लॉगर है, जहाँ तक मैं ले जा पाऊँगा उस ऊंचाई तक कोशिश करूँगा अच्छे अच्छे कॉन्टेंट देने की और लोगों को नॉलेज शेयर करने की। तो इस करीबन 3 से 3.5 साल में अगर मैं अपने इन्वेस्टमेंट की बात करूँ यूट्यूब पर, तो धीरे धीरे ट्रिप व्रिप सब कुछ मिला लो तो 1.5 से 2 लाख रुपए जो है मैंने इस चैनल पे इन्वेस्ट किए। और जो पहली इनकम आई है, हाँ दोस्तों कभी ये मत सोचेगा कि इनकम कम आई है या ज़्यादा आई है। आई है, इट मीन्स आप करेक्ट पाथ पे हो, आप कुछ कर रहे हो। जो नहीं कर रहे हैं उनके बारे में ध्यान ना देना। लोग बहुत डिमोटिवेट करते हैं स्टार्टिंग में। मैं अपने दोस्तों में लिंक शेयर करता था तो वो मेरा जगह जगह पर, अरे भाई साहब यूट्यूबर आ गए भैया, आप तो भैया पैसा कमाएंगे, गाड़ी हो जाएगी, घोड़ा हो जाएगा, सब कुछ दुनियादारी बोलते हैं। बट ठीक है यार, सुन लो, ये उस दिन नहीं तो किसी ना किसी दिन ज़रूर होगा यार, और उसी में लगा हुआ। तो आज ये रिज़ल्ट मेरे सामने है, जितना भी है ये मेरी मेहनत का है और दावे से कह सकता हूँ कि यार तुम लोग के प्यार से मिला है। तो अगर कितना है ये पूछ रहे हो ना, तो मैं अभी गिन के बताता हूँ। इसका डबल करके इसमें 1.5-2 हज़ार रुपये और डाल लेना, उतनी इनकम आई है पहली इनकम। आपको पता ही होगा कि $100 का एक वो होता है थ्रेशोल्ड, पहली इनकम आप $100 के पहले नहीं निकाल सकते। तो $100 से थोड़ा सा ज़्यादा हुआ तो मैंने बैंक अकाउंट लगा दिया और वो फट से गिर गई। इसी मंथ आई है दोस्तों, 7,000 सब्सक्राइबर है। व्यूज जाकर के आप अबाउट में देख सकते हैं, 8 लाख हैं, करीबन 3 लाख तक तो हमारा चैनल मोनेटाइज ही नहीं हुआ था, क्योंकि 4,000 घंटे 1,000 सब्सक्राइबर का गेम था। तो आप समझ सकते हैं 4-5 लाख व्यूज पे कितनी इनकम आई है ये आपके सामने। तो गिन लेता हूँ अभी कितना है, इसमें डबल करना है, उसमें 1.5-2 हज़ार रुपये डालना, उतनी मेरी इनकम आई है। दिमाग लगा लीजिएगा, 300, 500, 1,000, 1,500, 2,000, 2,500, 4,000, 4,500, 5,000, इसको डबल कर लो, 1,500-2,000 डाल लो, समझ लो पहली इनकम ये आई है मेरी, ठीक है। और अगर मैंने कुछ हेल्प करी, कुछ क्वेश्चन हो तो कमेंट में पूछ लो या इंस्टाग्राम पे फॉलो करके आ जाओ भाई, बात करते हैं आराम से, वहाँ पे भी सारी चीज़ें क्लियर आउट कर दूंगा। वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो इसलिए मैं कोशिश कर रहा हूँ कि यहीं पे चीज़ें ख़त्म करता हूँ। अभी हो सकता है एक बड़ा सा सरप्राइज़ है आप लोग के लिए, हो सकता हो 1.5-2 महीने में वीडियो डाल दूँ, बड़ा सा सरप्राइज़ है वो। और अगर कुछ और हेल्प चाहिए तो बताना कैसे ग्रो किया, और कुछ टैक्टिक जो मुझे पता है वो मैं शेयर करूँगा। और अभी के लिए तो इतना ही, मगर मुझे बहुत खुशी हो रही है, थैंक यू, ऐसे ही सपोर्ट करते रहो, सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को शेयर कर दो दोस्तों, और लव यू ऑल यार, ऐसे ही प्यार दो, मुझे बहुत खुशी हो रही है, मैं बस शब्द नहीं कि मैं क्या बोलूँ। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में नई जगह पर, और ट्रैवल को ऐसे ही इन्जॉय करते हैं। गुड बाय इंडिया।